ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसिटिंग पॉलीमर वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। इन बहुलकों को गर्म कर दोबारा नरम अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के बहुलक पहली बार गर्म करते समय त्रिविमीय त्रियक बद विन्यास में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें मजबूत ससंयोजक बंद होते हैं, उदाहरण बैकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन इटिशन। नेक्स्ट वर्गीकरण है प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टोमर। वे बहुलक जो रबड़ के समान प्रत्यास्थ प्रदर्शित करते हैं, अर्थात खींचने पर शीघ्र ही अपनी लंबाई से लगभग 3 गुना खींच जाते हैं तथा तनाव हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। अतनित अवस्था में बहुलक एक कुंडली के समान रहते हैं, तनाव लगाने पर ये कुंडली खुल जाती है, ये स्प्रिंग के समान कार्य करते हैं। जो तनाव लगाने पर खिंचकर लंबी हो जाती है तथा तनाव हटाते ही पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं, उदाहरण कृत्रिम रबड़, सिलिकॉन रबड़, प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट रेसे फाइबर्स। वे बहुलक जिनकी 2 श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक बल हाइड्रोजन बंध अथवा द्विध्रुव आकर्षण के कारण हो, रेसे कहलाते हैं। इनमें तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती हैं। ये उच्च दृढ़ता एवं लचक वाले तथा क्रिस्टलीय प्रकृति वाले रेसे होते हैं, उदाहरण नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। नेक्स्ट हैं बहुलक के आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्युलर मास और पॉलीमर। बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया में श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि एकलक इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती हैं, अर्थात बहुलक का अणुभार इसमें उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि बहुलक श्रृंखला को किसी स्थिति में तोड़ दिया जाए तो अलग अलग अणुभार वाले वर्ध अणु प्राप्त होते हैं, उदाहरण पॉलीस्टायरिन अणु के बहुत उच्च अणुभार वाले बहुलक के टूटने पर निम्न अणुभार वाले पॉलीस्टायरिन के विभिन्न नमूने प्राप्त होते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में बहुलकों के अणुभार को औसत अणुभार के संदर्भ में लिया जाता है। औसत अणुभार 2 प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक औसत अणुभार द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट। बहुलक के नमूने के कुल अणुभार में उपस्थित मोलों की संख्या n से भाग देने पर प्राप्त अणुभार को संख्यात्मक औसत अणुभार कहते हैं। हम जानते हैं कि भार इज इक्वल टू अणुभार इंटू अणुओं की संख्या। नमूने का कुल भार W और कुल मोलों की संख्या N। यदि नमूने में N1 मोल, M1 अणुभार वाले N2 मोल, M2 अणुभार वाले तथा N3 मोल, M3 अणुभार वाले होते हैं तो अणुओं का कुल भार, तो संख्यात्मक औसत अणुभार क्या हो जाएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 नीचे कुल अणुओं की संख्या आ जाएगी, तो समीशन Ni Mi अपॉन समीशन ऑफ Ni। यहाँ स्मॉल i प्रकार के मोलों की संख्या Ni है तथा उनका अणुभार Mi है। ये अणुभार उच्चतर अणुभार वाले अणुभार की अपेक्षा कम होता है।
एग्जाम्पल, माना किसी बहुलक के दो ही अणु उपस्थित हैं जिनके अणुभार क्रमशः 100 और 10,000 हो, तो बहुलक का संख्यात्मक औसत अणुभार होगा 100 × 1, 10,000 × 1, टोटल कितने 2, तो कितना हो जाएगा ये? संख्यात्मक औसत अणुभार के उपरोक्त मान से स्पष्ट होता है कि अधिक अणुभार वाले अणु का योगदान केवल 50% है, जबकि इसका अणुभार कुल अणुभार का 90% है। उच्च बहुलकों के अणुभार सामान्यतः प्रासरण दाब द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि प्रासरण दाब एक अणु संख्यक गुणद्रव्य है, अतः प्रासरण दाब द्वारा प्राप्त अणुभार वास्तव में संख्यात्मक औसत अणुभार होते हैं। ये तो वह संख्यात्मक औसत अणुभार। नेक्स्ट है भारात्मक, भारात्मक औसत अणुभार वेट, एवरेज मॉलिकुलर वेट। नमूने में उपस्थित प्रत्येक अणु के भार को उसके अणुभार से गुणा करते हैं एवं प्राप्त सभी गुणकों को जोड़कर नमूने में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के अणुओं के कुल भार से भाग देने पर नमूने के भारात्मक औसत अणुभार को ज्ञात कर सकते हैं। भारात्मक औसत अणुभार संख्यात्मक औसत अणुभार से अधिक होता है। ये दोनों उस अवस्था में समान हो सकते हैं जब सभी अणुओं के अणुभार समान हो। बहुप्रीसेपिता सूचकांक पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के अनुपात को बहुप्रीसेपिता सूचकांक कहते हैं, अर्थात बहुप्रीसेपिता सूचकांक। भारात्मक औसत अणुभार अपन संख्यात्मक औसत अणुभार। प्राकृतिक बहुलकों के लिए सामान्यतया इसका इकाई होता है, अर्थात भारात्मक औसत अणुभार और संख्यात्मक औसत अणुभार समान होता है, जबकि संश्लेषित बहुलकों के लिए संख्यात्मक औसत अणुभार से भारात्मक औसत अणुभार का मान अधिक होता है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है बहुलकीकरण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण, ये दिया हुआ है। पहला है योगात्मक बहुलक। जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर कोई छोटा अणु बाहर नहीं निकालती हैं, विलोपित नहीं करती हैं, तो उसको योगात्मक बहुलक कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। दूसरा है संघनन बहुलकीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ऐसे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं परस्पर संघनित होकर बहुलक बनाते हैं, ये प्रक्रिया संघनन बहुलकीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में एक के बाद एक पद भाग लेते हैं और पदों की एक श्रेणी स्थापित हो जाती है, जिससे संघनन बहुलक का निर्माण होता जाता है। प्रत्येक पद में एक छोटा अणु जैसे जल, अमोनिया, एल्कोहल आदि का निष्कासन होता है। उदाहरण, कार्बोक्सिलिक समूह ही एक हाइड्रोक्सिल समूह से अभिक्रिया पर एक एस्टर तथा एक जलकाणु बनाता है। संघनन बहुलक जब दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर कोई छोटा अणु जैसे वाटर, एल्कोहल, अमोनिया इटी से विलोपित करें, तो इस प्रकार के बहुलक को संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मेलिया, टायरिलिन, गिलेप्टल, डेक्रॉन आदि।